फिर स्वागत है आपका आदर्श भारत टीवी पर और मैं हूं आपके साथ प्रियंका सिंह। जिले की ककनचोर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि धर्मा पासवान ने बताया कि लंबे समय के बाद त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव 2001 में हुआ, जिसके बाद विभिन्न लोगों ने पंचायत के सर्वोच्च पद मुखिया पद पर सुशोभित होकर सेवा दिया। लेकिन बड़ा ही अफसोस के साथ ये बात करनी पड़ रही है कि सिर्फ लोगों ने मुखिया बनने का काम किया लेकिन मुखिया का दायित्व को कोई पूरा नहीं किया, जिसके कारण आज भी हमारा ककनचोर पंचायत विकास से कोसों दूर है। इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए पंचायत के सम्मानित जनता जनार्दन और नौजवान साथियों तथा अभिभावक तुल्य मतदाता मालिकों ने मुझे प्रेरित और प्रोत्साहित किया है कि आप पंचायत का नेतृत्व करें। महिला आरक्षित सीट होने के कारण हमारी भाभी सुलेखा देवी पंचायत में मुखिया के पद पर चुनाव लड़ रही हैं। पंचायत के सम्मानित मतदाता मालिकों का आशीर्वाद मिला तो निश्चित तौर पर पंचायत का सर्वांगीण विकास होगा। सरकार द्वारा संचालित सभी जन लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शिता के साथ शत प्रतिशत लोगों तक पहुँचेगा। पंचायत में भय और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था कायम होगी। अब सभी पंचायत वासियों से निवेदन करता हूँ, एक बार सुलेखा देवी को पंचायत मुखिया बनाएं। पंचायत का निश्चित तौर पर विकास का कार्य होगा। पंचायत में सभी धर्मों के लोगों को साथ चलूँगा। पंचायत में हरेक तबके के लोगों का विकास कार्य करूँगा। अगर सुलेखा देवी को आप लोग मुखिया बनाते हैं तो शिक्षा, सिंचाई, प्रधानमंत्री आवास योजना जो भी जन कल्याणकारी होगा वो सब किया जाएगा। मैं पंचायत के तमाम मतदाता मालिक से आग्रह करता हूँ कि एक बार सुलेखा देवी को सेवा करने का मौका दिया जाए और मैं मुख्य धारा में जुड़ना चाहता हूं और मैं अपने ग्राम ककनचोर पंचायत निवासी सुंदीपी गांव के रहने वाले धर्मा पासवान, मैं अपने पंचायत के लोगों को, जनता को सेवा करना चाहता हूं और कुछ विकास करके दिखाना चाहता हूं। बहुत मेरे गांव में गरीब लोगों हैं जिसका घर पर छत नहीं है और मैं उस गरीब को छत देना चाहता हूं। मैं अपना बहुत कुछ अपने जनता के लिए करना चाहता हूं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आज पंचायत में कई ऐसे किसान भाई हैं जो सिंचाई की व्यवस्था को नहीं होने के कारण खेती नहीं कर पा रहे। मैं उन किसान भाइयों को विश्वास दिलाता हूं कि सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था कर लूंगा। कृषि योजनाओं का लाभ पारदर्शिता के साथ शत प्रतिशत आप तक पहुंचना सुनिश्चित करूंगा। आपकी फसल का उचित मूल्य प्राप्त हो इस दिशा में भी प्रयास करूंगा। पंचायत के नौजवान बच्चे बच्चियों के लिए तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, जिससे पंचायत की बेरोजगारी दूर की जा सके, बच्चे स्वयं भी बन सके। ग्राम सभा, आम सभा में स्वीकृत योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ पंचायत का संचालन होगा। आप सभी मतदाता मालिकों से विनम्र निवेदन है कि सुलेखा देवी को अपना आशीर्वाद देकर मेरे हाथों को मजबूत करें।